नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात है सच। चिकन मटन तीतर बटेर खाने का शौक तो लोगों को प्राचीन समय से रहा है। बहुत से लोग तो सभी प्रकार के पशु पक्षियों को कच्चा तक खा जाते हैं। हालांकि इंसान के शरीर की बनावट ऐसी नहीं है कि कुदरत ने उसे शिकार करने के लिए बनाया है, मगर उसके बावजूद भी इसी इंसान की वजह से बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इंसान के भोजन से केवल इंसान ही बचा हुआ था, जिसके खाने की बात किताबों या किस्सों में तो सुनी जरूर होगी, लेकिन पड़ोसी मुल्क के दो वासिंदों ने इसे अपने नाम करके पाकिस्तान का नाम विख्यात कर दिया है। पाकिस्तान से आई एक कहानी एक हकीकत है, जहां दो भाई भैंसे गधे खाते खाते आदमखोर बन गए। चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों भाई अब तक कब्र से निकालकर 150 से ज्यादा मुर्दे खा चुके हैं, वह भी बाकायदा मटन की तरह मसालों में तल के और पकाकर। हालांकि आज के दिनांक में यह दोनों भाई जेल में हैं, परंतु पाकिस्तान में आदमखोर इंसान के लिए कोई कानून नहीं होने की वजह से अब फिर इनके बाहर आने की उम्मीदें बढ़ गई है, जिसके बाद इंसानों की तो छोड़िए पाकिस्तान के कब्रिस्तान में भी हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। इन दोनों भाइयों का नाम मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित भक्कर जिले के दरिया खान इलाके में मौजूद खवावार कतन गांव के रहने वाले ये दोनों भाई शादीशुदा हैं, लेकिन इनकी बीवियां इन्हें छोड़कर जा चुकी हैं। उनका आरोप था कि दोनों उन्हें मारते पीटते थे और गाली गलौच भी करते थे। दोनों नरभक्षी भाइयों को साल 2011 में पहली बार तब गिरफ्तार किया गया था जब वहीं पास के ही एक कब्रिस्तान से एक महिला का शव अचानक गायब हो गया। उस महिला का नाम सायरा परवीन था और उसकी मौत कैंसर से हुई थी। सायरा के घर वाले तब उसे कब्रिस्तान में दफना कर चले गए और अगले दिन वहां आए तो देखा कि उसकी कब्र खुदी हुई थी और सायरा का शव गायब था, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि सायरा के शव के गायब होने में फरमान अली और आरिफ अली का हाथ है, जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंची तो देखा कि अंदर वाले कमरे में एक पतीले में करी जैसी कोई चीज रखी हुई थी। जब पुलिस ने और भी जगह पर जांच की तो उन्हें घर के बाहर एक बोरी में सायरा की लाश मिली, जिसे देखकर वो चौंक गए क्योंकि उस लाश के अंग कटे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया और करी वाले उस पतीले को जांच के लिए लैब में भिजवाया, जहां पता चला कि वो करी इंसानी मांस की बनी हुई थी। जब पुलिस ने दोनों भाइयों से पूछताछ की तो हैरान करने वाली बातें सामने आई। उन्होंने बताया कि वो कब्र से ऐसे मुर्दे निकालते थे जो हाल ही में दफनाए गए हैं और उन्हें अपने घर लेकर आते थे। इसके बाद वो उसकी करी बनाकर खा जाते थे। उनका कहना था कि वो अब तक 100 से ज्यादा मुर्दे खा चुके थे। यह बात उन्होंने 2011 में गिरफ्तारी के बाद बताई थी। बाद में दोनों आदमखोर भाइयों को अदालत में पेश किया गया, लेकिन यहां एक परेशानी खड़ी हो गई क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की हरकत के लिए आरोपी को क्या सजा दी जाए, इसका कोई प्रावधान ही पाकिस्तान कानून में नहीं था। इसलिए उन दोनों पर कब्र से छेड़छाड़ करने और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया। अदालत ने दोनों को दो दो साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। दोनों को मियांवाली जेल में रखा गया था। हालांकि दोनों भाई वहां जेल में कम अस्पताल में ज्यादा रहे क्योंकि उनका मानसिक इलाज किया जा रहा था। जब दोनों नरभक्षी भाइयों की सजा पूरी हो गई तो उन्होंने मई 2013 में जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद दोनों भाई अपने गांव पहुंचे, लेकिन वहां लोग उनकी रिहाई का विरोध करने लगे। अब उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ये लोग उन्हें ही जान से ना मार दें। इसलिए दोनों भाई किसी से मिलते जुलते नहीं थे और इलाके में कम ही दिखाई देते थे। अप्रैल 2014 में स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की कि दोनों भाइयों के घर से सड़े हुए मांस की गंध आ रही है। इसके बाद पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा तो नजारा हैरान करने वाला था। उन्हें कमरे में 2 साल के एक बच्चे का सिर बरामद हुआ, जिसे मौत के बाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। साथ ही यहां एक पतीले में इंसानी मांस की करी रखी हुई थी। यह नजारा ठीक वैसा ही था जैसा साल 2011 में पुलिस के छापे के दौरान था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और एक अदालत में
पेश किया। अब अदालत के पास फिर से वही परेशानी थी कि ऐसी हरकत के लिए उन्हें क्या सजा दी जाए, क्योंकि इसको लेकर तो कानून में कोई प्रावधान था ही नहीं। बाद में मामले को पंजाब के सरगोधा में आतंकवाद निरोधक अदालत को सौंप दिया गया। इस अदालत ने फरमान अली और आरिफ अली को बच्चे की कब्र को छेड़ने के साथ साथ आतंक फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया और 12-12 साल की सजा सुनाई गई। फिलहाल दोनों नरबख्शी भाई जेल में है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।